चारों तरफ कवे कवे दिख रहे हैं यहाँ। मकोड़ा मकोड़ा एलपी का मकोड़ा हेलो गाइस वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। आज की व्लॉग की शुरुआत मैंने बहुत अच्छी करी है। देखो आज मैंने बेड से स्टार्ट नहीं किया, आज हम पहुंच गए हैं सुबह सुबह एलएपी बीच में। देखिए आवाज आ रही होगी आपको लहरों की, बनी लहर के साथ आगे मत निकल जियो। देख तेज भी आ रही है लहरें, थोड़ा पीछे हो जाओ। मैं बहुत वीडियोस देखी है ऐसी ले जाती है चप्पल नहीं, चप्पल तो बहुत पीछे उतारना उधर। सुबह सुबह बीच का अलग ही मजा आएगा इस सही में। तो स्लीपर्स हम यहाँ उतारेंगे अपनी मस्त, ठीक है अब चल रहे हैं पीछे। चलो गई विनीता की चप्पल, गई विनीता की चप्पल, गई विनीता की चप्पल गई, आ गई वापस, आ गई वापस, आ गई, पकड़ 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 वह पकड़ लेने जल्दी। गाइस वो देखो विनीता की चप्पल, ओ बोरी गई इसकी चप्पल, भाई गड्ढा हो गया यहाँ। देखो मैं यहाँ खड़ा था कि तुमसे गड्ढा हो गया, मैंने कि क्या हो गया। चलो भाई चलते हैं अब यहाँ से, और अब चलते हैं शिकारा बोट हाउस उस तरफ, बैक वाटर की तरफ। केरला में विनीता ने अपनी चप्पलें दान कर दी है समुद्र को। और अमित कुछ कहना चाहोगे आप भाई साहब? बस बोल दो तो कुछ नो कमेंट्स है, वो लग जाएगी मिर्ची मिर्ची लग जाएगी इसको। मकोड़ा मकोड़ा एलपी का मकोड़ा एलपी का मकोड़ा। सो गाइस अब हम लोग जो है चेकआउट कर रहे हैं, सामान वगैरह सब लोड जाएगा गाड़ी में, उसके बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा बैक वाटर की तरफ, हाउस बोट और वो वगैरह सब आपको दिखाएंगे, तो चलिए उधर चलते हैं फिर। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं पॉइंट पे, ये आपकी इधर शिकारा बोट है। अब इसका प्राइस वगैरह पूछते हैं, भैया प्राइस वगैरह क्या है इनका? 4,000 रुपये एक घंटा के लिए। 1,000 रुपये चार लोग एक घंटा के लिए, 1,000 रुपये एक घंटा का। ये पूरा घुमाओगे आप लोग? पूरा घुमाओगे, 8 घंटा चाहिए। 800 किलोमीटर बैक वाटर है। 800 किलोमीटर गाइस, 800 किलोमीटर बैक वाटर है यहाँ पर, तो हम एक घंटा घूमेंगे। मिनिमम 2 घंटा चाहिए, मिनिमम 2 घंटा, तो 2 घंटा ले लेंगे। 2 घंटे ओके, 2 घंटे विलेज है वेम्बनाड लेके। 2 घंटे कितने लगेंगे? 2,000 रुपये 2,000 रुपये चार लोगों के। अच्छा 3 घंटा आएगा ना उसका फिल्म शूटिंग करने के लिए जगह है। अच्छा उधर जाने के लिए 3 घंटा उधर रुकेगा फोटो के लिए। अच्छा फिल्म शूटिंग करने के लिए जगह है तो आप ले जाओगे वहाँ पर? हाँ उधर जाएगा, जाएगा ना। 3 घंटा चाहिए, 3 घंटा ओके। थोड़ा कम करो ना। नहीं उसका गवर्नमेंट अप्रूव करने के लिए प्राइस हम बोलने के लिए ज्यादा नहीं। अच्छा चलो ठीक है फिर, तो हम लोग ही बैठेंगे और भी बैठेगा? नहीं तुम्हारा फैमिली, ये हमारा है बस ना। तो गाइस पूरी शिकार में हम ही बैठेंगे, तुम्हारे बैठेंगे। चलो भाई ये तो बहुत बढ़िया, हम चारों बैठेंगे इसमें आराम से। आ जाओ गाइस सब लोग आ जाओ इसमें, जिसको जहाँ। ओ भाई ये तो क्या चेयर है देखियो, ये ऐसी है क्या? नहीं अच्छा ये अलग अलग रखी है, मुझे लगा ये। सो गाइस अब जो है हमारी, हम लोग शिकारा में बैठ गए हैं, पूरी शिकारा अपनी है अब हम इसमें। चाहे यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम भी रखा हुआ है, आपको गाने बजाने हैं आप गाने बजाओ, आगे जो है बिल्कुल सोफ़ा लगा हुआ है, लेटना है आराम से लेट जाओ। अब ये 3 घंटे हमारे लिए हैं, ये पूरी हमारी बुक हो गई है, अब हम 3 घंटे इसी में घूमेंगे आराम से। और ये बैक वाटर जो बताया था भैया ने, 800 किलोमीटर का बैक वाटर है, पूरे 8 घंटे चाहिए इसमें घूमने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं एकदम ज़बरदस्त व्यू भाई यहाँ से, तो अरे और यहाँ से तो एक नंबर, सभी यहाँ जाओ ना ऊपर गाइस। यहाँ पर बैठ के इतना मज़ा आ रहा है ऊपर, मैं बता नहीं सकता कितना मज़ा आ रहा है। तो आप लोग अगर आओ तो यहाँ पर ज़रूर बैठना, एक्सपीरियंस करना यहाँ पर बैठ के। अब ये यहाँ से मैं छोटी केनाल जैसी है जगह है, या यहाँ से अभी हमें आगे बड़े बड़े उधर बैक वाटर है वहाँ पर लेके जाएंगे। ये देखो एक बोट और जा रही है इधर। सो गाइस देखो ये है हाउस बोट्स, ये इसमें रूम बने हुए अंदर,
आप इसमें रुक सकते हैं अगर आपको रुकना चाहें तो। हम लोगों ने नहीं लिया क्योंकि थोड़ा इधर वाटर भी थोड़ा वैसा है, स्टिंकी सा वाटर है तो स्मेल भी आ रही है हल्की हल्की। बट अब हम बड़े उसमें आ गए हैं तो इस तरफ मस्त है यार। तो इधर इधर सारे हाउस बोट्स हैं इधर, यहाँ पर ना ये सारे हाउस बोट है इधर देखो आप ये। सो गाइस जिंदगी के में अगर मजे लेने हैं तो आ जाओ यहाँ पर एलएपी में। कहाँ पड़े हो चक्कर में शहर की भाग दौड़ की जिंदगी में, यहाँ देखो जिंदगी ओहो एकदम स्वर्ग है भाई। क्या कहना चाहते हो भाई? मौज एकदम एक नंबर भाई। देखो क्या व्यू है भाई गाइस, ये देखो ओहो हो ये है बोट हाउस, यहाँ पर आप रुक सकते हैं। सो गाइस अब है रिव्यू टाइम, ठीक है अब हम आपको रिव्यू देंगे केरला का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मेरा तो बहुत ही अच्छा रहा। अब आपको सब बताएंगे, ट्रैवलिंग फूड एडवेंचर सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं भाई पहले हम खाने से। तो खाना बहुत ही अच्छा था और प्योर वेज के ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे हर जगह। हाँ और बहुत सस्ता खाना है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। अगर मान लो 60-40% तो सस्ता हो गई। मतलब हम दिल्ली में अगर हम चार लोग थे तो हम लोग जैसे अगर दिल्ली में भी खाते ना, अगर हम नॉर्मल भी खाना मंगाते हैं दाल सब्जी और रोटी राइस और कुछ भी मंगाते हैं तो 1500 से 2000 के बीच में खाना आता है हमारा। यहाँ उसके 50% आप यकीन नहीं करोगे, 700-800 रुपए में हमने खाना खा लिया भाई और पेट भर के बहुत अच्छा, काफी वैरायटीज हैं है ना। हाँ, तो खाने के मामले में तो बहुत अच्छा है। और लोग कहते हैं ना कि केरला में आपको मतलब खाना अच्छा नहीं मिलेगा, नॉनवेज ज़्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं है। नॉनवेज की मेजॉरिटी ज़्यादा है मान सकते हैं बट लेकिन वेज भी आपको, बट हर जगह ऑप्शंस अवेलेबल है चाहे कम हो लेकिन मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। और अब करते हैं स्टार्ट हमारा डे वन मुन्नार से। तो मुन्नार में क्या क्या बढ़िया लगा हमें? मुन्नार में देखिए टी गार्डन्स बहुत अच्छे लगे, उनका जो व्यू था वो बेस्ट था। वाटरफॉल बहुत अच्छे लगे, वाटरफॉल्स अच्छे थे बट हाँ ऐसे वाटरफॉल्स आपको और जगह भी मिल जाएंगे। जो मेन चीज़ थी जो हमने मिस कर दी वो है जीप सफारी, जो कि हमें जाना चाहिए था बट हम लोग नहीं जा पाए। वेदर खराब था, इस वेदर खराब था, बारिश थी, मॉर्निंग में हमें जाना था। तो जो हमारे जो ड्राइवर भैया हैं जो गाइड भी हैं तो उन्होंने ये बोला कि मतलब अगर आप जीप सफारी लेते तो वो आपके लिए बेस्ट एक्सपीरियंस होता, मतलब कुछ डिफरेंट होता जो आपको यूजुअली जो नॉर्थ इंडिया में आप कहीं मसूरी या कहीं और जाओ वहाँ नहीं मिलेगा। तो वो हमने मिस कर दिया। फिर उसके बाद हम आए ठेकड़ी, तो वो डिफरेंट था बिकॉज वहाँ हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया जो हमने पहले नहीं किया था, जैसे एलिफेंट राइड करी, एलिफेंट शावर करा। देन द बेस्ट पार्ट वॉज मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स ऐसा था कि मतलब आप देखते रह जाओगे। हाँ, मतलब आपको लगेगा जीवन में ऐसा नहीं देखा। एग्जैक्टली, सीरियसली बता रहे हैं, तो वो मिस मत करना। हाँ, वो भरतनाट्यम तो अच्छा था ही। कथकली, कथकली बहुत अच्छा था लेकिन मार्शल आर्ट्स वाज वाओ, टू गुड। मतलब यू शुड नॉट मिस। एंड टिकट्स भी रीजनेबल थी, 200 पर शो था, पर मतलब 1 घंटे का शो था। हां, 200 रुपए में। और उसके बाद हम लोग वहां गए थे ना परियार लेक जो था। हाँ, पेरियार लेक गए थे। वो भी ठेकड़ी में है ना? हाँ, ठेकड़ी में ही है वो भी। पेरियार लेक उसका व्यू भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आपको ऐसा लगेगा, माइक दिखाना जरा, आपको ऐसा लगेगा पेरियार लेक जब जाओगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम मतलब अलग ही कहीं किसी कंट्री में आ गए। बिल्कुल इतना पीस है वहाँ पर, इतना पीस कहीं नहीं मिलेगा आपको शायद। हाँ, ऐसा एक्सपीरियंस आपने शायद नहीं किया होगा, तो यूनिक एक्सपीरियंस था हमारे लिए। और उसमें और भी ज़्यादा ऑप्शंस थे, जैसे कि आपको नाइट ट्रैकिंग का ऑप्शन था, जो मतलब अगर आप ज़्यादा दिन रुक रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं और शायद वो ज़्यादा एडवेंचरस होगा क्योंकि वो लोग आपको रात को लेके जाएंगे उस जंगल में ट्रैकिंग के लिए। और फिर अब लास्ट डे हमारा जो था वो था एलएपी। एलएपी में बीच अच्छा है और बाकी ये बीच तो नॉर्मल जैसे है ही, बट यहाँ का जो मेन जो अट्रैक्शन है दैट इज बैक वाटर्स विच यूल नॉट गेट एनीवेयर एल्स। और उसमें क्या है कि आप जैसे आप देख ही रहे होंगे कि आपको जो है ना जैसे डेली की इनकी जो लाइफ है यहाँ के लोगों की वो आपको दिखेगी। बैक वाटर्स है, बगल में उनके घर हैं, वो अपना डेली का काम कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये देख के क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल अलग है, तो वो आपके लिए नया भी है, आपको मज़ा भी आएगा वो देखने में। सो आई थिंक एलएपी का तो बैक वाटर्स इज द बेस्ट एंड ठेकड़ी का इज जो आपको बताई दिया एलिफेंट वाला पार्ट था। तो अब हम यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी हमारी केरला सीरीज। yes. तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, साइनिंग आउट।